नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पी के वारिस पवन में। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। तो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं IPL 2019 के अगले मैच को, जो कि खेला जाने वाला है मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच। ये मैच मुंबई के होम ग्राउंड वानखेड़े में खेला जाएगा। पिछला मैच काफ़ी ज़्यादा हाई स्कोरिंग यहाँ पे रहा था, तो इस मैच के भी हाई स्कोरिंग रहने की उम्मीदें हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं दोस्तों विकेट कीपिंग से। विकेट कीपर में आपके पास ऑप्शन यहाँ पे चार दी गई हैं, लेकिन जो ईशान किशन और एन जगदीश है, ये ऑप्शंस तो नहीं रहेंगे दोनों ही। आपके पास जो टीम में खेलने वाले हैं वो रहेंगे क्विंटन डिकॉक और CSK के लिए महेंद्र सिंह धोनी की बात करें, नंबर 5 पर खेलने आते हैं। पिछले मैच में बहुत शानदार प्रदर्शन किया था, अर्धशतक इन्होंने लगाया और अपनी टीम को जीत भी दिलाई। और दूसरी तरफ में डिकॉक काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, पिछले मैच में भी काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन इन्होंने किया था, 60 रन बनाए थे लगभग 200 के स्ट्राइक रेट से। लेकिन मुंबई इंडियन दुर्भाग्यवश पंजाब से पिछला मैच हार गई थी, तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँगा क्विंटन डिकॉक को, क्योंकि पहले खेलने आते हैं और जो पावर प्ले इनके पास रहता है, रन बनाने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, तो आप इन्हें मौका दे सकते हैं। इसके अलावा यदि धोनी को मौका देना चाह रहे हो तो बिल्कुल, धोनी में बहुत ज़्यादा काबिलियत है तो आप इन्हें मौका दे सकते हैं। तो अब बात करते हैं दोस्तों बैटिंग में आपके पास बहुत ही ज़्यादा ऑप्शंस रहेंगी। जैसे यहाँ पर देखिए मुंबई इंडियन के रोहित शर्मा पिछले मैच में जल्दी आउट हो गए थे और बिल्कुल अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, काफ़ी अच्छे रन बनाए थे पिछले मैच में, मगर लगातार अपने नाम के मुताबिक ये रन नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी ऑप्शन रहेगी आपके पास शेन वॉटसन भी एक मैच में जरूर इन्होंने अर्धशतक लगाया, लेकिन उसके बाद कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, पिछले मैच में फ्लॉप साबित हुए थे। सुरेश रैना भी देखिए लगातार रन कर रहे हैं, लेकिन पिछले मैच में थोड़ा जल्दी आउट हो गए थे। इसके अलावा आपके पास रहेंगे अम्बाती रायडू का फ्लॉप शो जारी है, पहले मैच में सिर्फ इन्होंने स्कोर किया, उसके बाद लगातार ये फ्लॉप ही चल रहे हैं। इसके अलावा सूर्य कुमार यादव लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, पिछले मैच में थोड़ा अनलक्की तरीके से आउट हो गए थे, तो बिल्कुल इस मैच में इनसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें रहेंगी। केदार जाधव भी देखिए बहुत ही अच्छी फॉर्म से भी गुजर रहे हैं, पिछला मैच इनके लिए भी कुछ खास नहीं गया था, जल्दी अपना विकेट गंवा दिया था, लेकिन उससे पहले लगातार अच्छा प्रदर्शन करते रहे हैं। युवराज सिंह ने भी काफ़ी लगातार मैचों में पहले मैच में ही 50 लगाई थी, उसके बाद 3 छक्के लगाकर विंटेज युवराज सिंह की याद दिला दी थी, लेकिन पिछले मैच में जल्दी आउट हो गए थे मात्र 20 रन बनाकर। इसके अलावा कैरन पोलार्ड भी कुछ खास फॉर्म से नहीं गुजर रहे हैं, लगातार ये अपने नाम के मुताबिक ये भी प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए जो आपके पास बैटिंग में की प्लेयर्स रहेंगे वो रहेंगे बिल्कुल रोहित शर्मा, शेन वॉटसन, सुरेश रैना, अम्बाती रायडू लगातार कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, इसके अलावा आकर सूर्य कुमार यादव, केदार जाधव और युवराज सिंह। पोलार्ड को भी खेलने का मौका मिलता है तो बिल्कुल ये भी तकड़े छक्के जरूर लगा रहे हैं, लेकिन नाम के मुताबिक प्रदर्शन इनका नहीं हो पा रहा है, तो इस मैच में बिल्कुल फैंस को और मुंबई को भी इनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें रहेंगी, तो आप इन्हें मौका दे सकते हैं। बैट्समैन में आपके पास यही ऑप्शंस रहेंगी, यदि फैब डुप्लेसी को चेन्नई मौका देती है तो बिल्कुल आप इन्हें मौका दे सकते हैं। इसके अलावा देखिए आपके पास जो रहेंगे ऑलराउंडर में ऑप्शन रहेगी हार्दिक पांड्या, लगातार बहुत बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं, पहले कुछ 2 मैचों को छोड़कर उसके बाद लगातार देखिए लगातार इन्होंने स्कोर किया अपनी टीम के लिए, विकेट लेने में कामयाब नहीं हो पा रहे लेकिन बैटिंग से बहुत तकड़ा प्रदर्शन ये कर रहे हैं। उसके अलावा ड्रेन ब्रावो को बैटिंग करने का मौका तो नहीं मिल रहा है, लेकिन बॉलिंग से बहुत ज़्यादा बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं, पिछले मैच में जरूर मौका मिला था, उसमें इन्होंने काफ़ी अच्छा स्कोर भी किया था, तो आप बिल्कुल इन्हें मौका दे सकते हैं, विकेटें भी ली थी, रन भी बनाए थे पिछले मैच में, इन्हें मौका मिलता बैटिंग का तो जरूर स्कोर करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए बेन कटिंग काफ़ी लेट इन्हें मौका मिलता है खेलने का और उसने भी कुछ ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर नहीं पाए हैं, बॉलिंग में भी कुछ ज़्यादा प्रभावित ही नहीं कर पाए हैं, अपने नाम के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं लगातार। इसके अलावा देखिए कुणाल पांड्या बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर रहा है, मगर स्कोर करने में बाउंड्री पर आप देखेंगे यदि आप इन्हें देखें तो आउट हो रहे हैं बिल्कुल बाउंड्रीज पे, छक्के के लिए गेंद जा रही होती है लेकिन बीच में फील्डर आ जाता है और कैच पकड़ लेता है, बिल्कुल एज पर ही आउट हो रहे हैं लगातार, काफ़ी अच्छे शॉट्स पे आउट हो रहे हैं, विकेट जरूर ले रहे हैं, विकेट भी इन्होंने ली है, तो बिल्कुल आप इन्हें मौका दे सकते हैं, काफ़ी तगड़े हिटर हैं। इसके अलावा रविंद्र जडेजा देखिए बहुत बड़े प्लेयर हैं,
पहले मैच में काफ़ी शुरुआत के मैचों में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन इन्होंने किया है। पिछले मैच में कुछ खास अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए थे, लेकिन लगातार अच्छा प्रदर्शन ये कर रहे हैं। इससे पहले बॉलिंग से बहुत ज़्यादा प्रभावित अपनी कर रहे हैं, बैटिंग में ये भी कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा देखिए, सेंटनर को पिछले मैच में मौका दिया गया था, लेकिन कुछ प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे, तो मुझे नहीं लगता कि इस बार इन्हें चेन्नई सुपर किंग्स मौका देगी। यदि देती है तो बिल्कुल आप इन्हें मौका दे सकते हैं। इसके अलावा चलते हैं बॉलिंग की तरफ, तो बॉलिंग में देखिए आपके पास रहेंगे ऑप्शन बुमराह। बुमराह ने देखिए जो एक मैच मुंबई जीती है वो केवल बुमराह की बदौलत, जिसमें बेंगलुरु को इन्होंने हराया था। लास्ट के 2 ओवर इन्होंने निकाले, बहुत बेहतरीन निकाले, 3 ओवर 3 विकेटें भी ली। लसित मलिंगा अपने नाम के मुताबिक कुछ खासा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। यॉर्कर सभी भी है, लेकिन विकेट लेने में कामयाब नहीं रह पा रहे हैं। मिशेल मैकलेरगन पहले मैच में बहुत बेहतरीन बॉलिंग की थी, 3 विकेटें ली थी, लेकिन उसके बाद ये भी ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाए हैं। जो आपके पास की प्लेयर रहेंगे देखिए बॉलिंग में, इमरान ताहिर लगातार विकेटें ले रहे हैं, हर मैच में विकेटें ले रहे हैं। पिछले मैच में भी एन समय पर इन्होंने विकेटें अपनी टीम को निकाल कर दी, जिस समय टीम को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और इसी के साथ देखिए सीएसके के बॉलर भी अब काफ़ी ज़्यादा अच्छी फॉर्म में आ रहे हैं सभी, जैसे दीपक चहर पहले मैच में और शार्दुल ठाकुर ने कुछ खासा प्रदर्शन नहीं किया था, लेकिन पिछले मैचों से लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, विकेट लगातार ये निकाल रहे हैं। पिछले मैच में भी विकेट इन दोनों ही प्लेयर्स ने लिए, तो बिल्कुल आप इन्हें मौका दे सकते हैं। इसके अलावा मार्कंडे, जैसा कि पिछला वर्ष इनका गया था उसके मुताबिक तो अभी कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन एक मान्यता प्राप्त स्पिनर है इनके पास, मुंबई के पास, तो यदि इन्हें मौका देती है मुंबई, बिल्कुल आप इन्हें अपनी टीम में जगह दे सकते हैं। आर सलाम कुछ ज़्यादा नए प्लेयर हैं, यंग हैं, लेकिन अपनी स्पीड से तो ज़रूर प्रभावित किया, लेकिन विकेट से नहीं निकाल पा रहे हैं। इसके अलावा देखिए बॉलिंग में आपके पास ऑप्शन रहती है हरभजन सिंह, पहले मैच में ज़रूर बेहतरीन प्रदर्शन किया था, लेकिन उसके बाद कुछ खासा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं, और इन्हें पिछले मैच में तो टीम में भी नहीं खिलाया गया था, तो बिल्कुल ये तो ऑप्शन यदि खिलाती है चेन्नई सुपर किंग्स इन्हें, तो बिल्कुल आप मौका दे सकते हैं। इसके अलावा देखिए चेन्नई के पास और भी कई बॉलर्स हैं, जैसे करण शर्मा बहुत बढ़िया लेग स्पिनर हैं, मोहित शर्मा बहुत बढ़िया पेसर है, पिछले सीजन बहुत बेहतरीन इन दोनों का गया था, मोनू कुमार के आसिफ ये तो इतने बड़े नाम नहीं हैं, तो ये बिल्कुल अलग से ऑप्शन रहती है, करण शर्मा और मोहित शर्मा। तो यदि चेन्नई सुपर किंग्स मौका देती है तो बिल्कुल आप इन्हें सिलेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।